नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। भवनाथपुर से संवाददाता अर्ध्या कुमार की रिपोर्ट। भवनाथपुर थाना परिसर में मधुमक्खियों का कब्जा, एक दर्जन से अधिक पुलिस के जवानों को किया घायल। भवनाथपुर थाना परिसर में पीपल के पेड़ में लगे सैकड़ों मधुमक्खियों के छत्ता आतंक का पर्याय बन गए हैं, जिनसे पुलिसकर्मियों के साथ साथ आम ग्रामीण जनता रोज डंक से शिकार हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ये मधुमक्खियां पुलिसकर्मियों व आम थाने में आने वाले ग्रामीणों को घायल नहीं करती हों। खासकर शिवरात्रि पूजा से यह मधुमक्खियों का आतंक बढ़ जाता है। बीते एक सप्ताह में थाना के अंजनी तिवारी, फिलिप्स टोपनो सहित आधा दर्जन जवान व कई ग्रामीणों को मधुमक्खियों ने घायल कर दिया है। थाना परिसर में लगभग आधा दर्जन पीपल के पेड़ों में लगभग 100 मधुमक्खियों के छत्ते विगत 16 वर्षों से लगाए हुए हैं। इन मधुमक्खियों के भगाने के लिए कई बार प्रयास किया गया, परंतु हर वर्ष इनका दोबारा आगमन हो जाता है। पीपल का पेड़ होने के कारण कोई भी पदाधिकारी काटने से भयभीत है। क्या नाम है? संतोष। क्या यहाँ पे उगाया था नाम मधुमक्खी के लगे? मधुमक्खी यहाँ ना खाने दे रहा है ढंग से, ना ड्यूटी करने दे रहा है। सुबह काम एकदम करके रखा हुआ है, रहना मस्ती। आपको मधुमक्खी ही मारा है ना? आपका सर? वही मधुमक्खी के कारण सब तबाह है पूरे थाना। अभी तक कितना जवान के घायल कर चुका है? अभी तक तो लगभग 8-10 जवान लोग को पारा पारी भाग जाते हैं इधर उधर। फिर सब जवान का इलाज हुआ है? चल रहा है, सब अपना अपना इलाज करवा रहे हैं। CBSE पर आधारित इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल प्री नर्सरी टू क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, स्थान सीमित है। दूर दराज के छात्रों के लिए यातायात वाहन की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।